प्रदेश की नवनियुक्त राज्यपाल बेबी रानी मौर्य 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंची, जहां उनको पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो इस दौरे में नैनीताल की समस्याओं को जानेंगी, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि नैनीताल उत्तराखंड का हृदय है। पर्यटन के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिस कारण उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा भी है और आने वाले समय में वो नैनीताल के अन्य पर्यटक स्थलों को भी विकसित करेंगी। नैनीताल का ये मेरा पहला प्रवास है और गवर्नर के रूप में मैं पहली बार आई हूँ, तो पहले तो नैनीताल को समझ लें। तो 2-3 दिन में जरा नैनीताल को समझें, यहाँ की क्या क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे 2-3 आपने अभी बताई भी हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, धीरे धीरे हमारे नाले भी अलार्मिंग हो रहे हैं। वहीं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदेश के DGP से कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बातचीत की है, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। अभी मैंने IG साहब से बात की है, वो लगातार प्रयासरत हैं और इस तरह की घटनाएं ना हो, मैंने भी उनसे कहा है और वो उन्होंने भी मेरे से कहा है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। संवाद 365 के लिए नैनीताल से समीर शाह की रिपोर्ट।